मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लगभग 2-2.5 साल तक सरकार भी चलाई, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। उन्होंने एक चुनावी तो नहीं लेकिन एक पब्लिक मीटिंग में ज़रूर कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को रखना है तो आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करना चाहिए और सरकार को फौरी तौर पर बात करनी चाहिए इस मसले पर, इसको हल करना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ तंज कसते हुए ये भी कहा कि जो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते थे वो अब तालिबान से बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से उन्होंने पूरा कहा क्या आखिर। जम्मू कश्मीर को रखना है अपने साथ तो 370, 35 है और मसले कश्मीर हल करने के साथ साथ रखना होगा। झंडे के बलबोते पे, बंदूक के बलबोते पे, लाशों को दबाने के बलबोते पे आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते, आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। यहाँ बड़ी ताकतें आई हैं, बड़े बड़े लोगों ने बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबोते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। और आज हमारे लोग जिनको गुस्सा आता है जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बात करो, आज वो तालिबान से बात कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने गांव बसाया अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया, पर उनके साथ बात कर रहे हैं। मगर जब महबूबा मुफ्ती कहती है जम्मू में अमन लाने की खातिर, मसला कश्मीर हल करने की खातिर पाकिस्तान से बात करो, तो कहते हैं ये देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। पता नहीं क्यों